सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल और स्कूल क्लासेस को और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आप हमें लेटेस्ट वीडियो को देख पाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल और स्कूल क्लासेस में। दोस्तों, हमने आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में इंसर्ट टैब में पेज ग्रुप को सिखाया था। आज हम आपके साथ टेबल ग्रुप को डिस्कस करेंगे, तो आइए बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। आइए फ्रेंड्स, अब हम इंसर्ट टैब में टेबल ग्रुप को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, टेबल ग्रुप का यूज वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। टेबल ग्रुप में हमें काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, टेबल ग्रुप की हेल्प से हम अपने अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट में इस प्रकार से स्टाइलिश टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम टेबल ग्रुप में टेबल ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे हम टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ बॉक्सेस मींस सेल्स शो होते हैं जिसकी हेल्प से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आइए अब हम आपको प्रैक्टिकल टेबल क्रिएट करके दिखाते हैं। देखिएगा, जैसे ही हम अपना कर्सर फर्स्ट बॉक्स पर लेके जाते हैं तो हमें यहाँ 1×1 लिखा हुआ शो होता है। फ्रेंड्स, 1×1 का मींस होता है कि अभी हमारे पास ओनली 1 कॉलम और 1 ही रो है। जैसे ही हम अपना कर्सर यहाँ तक आगे की ओर लेके जाते हैं तो अब यहाँ देखिएगा 5×3 शो हो रहा है, मींस अब हमारे पास 5 कॉलम और 3 रो है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो टेबल परमानेंट यहाँ क्रिएट हो जाती है। फ्रेंड्स, जो हमें यहाँ वर्टिकल शो हो रहे हैं वह कॉलम होते हैं एंड जो हॉरिजॉन्टल शो हो रहे हैं उसे रो कहते हैं। जैसे ही टेबल यहाँ क्रिएट हो जाती है तो हमें टैब्स मेन्यू में 2 टैब्स और देखने को मिलते हैं, फर्स्ट डिजाइन एंड सेकंड लेआउट। ये टैब्स आपको तभी शो होते हैं जब आपका कर्सर टेबल के अंदर क्लिक हो। इन टैब्स को हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वे से टेबल क्रिएट करना सीखते हैं। जैसे ही हम इंसर्ट टैब में से टेबल ऑप्शन पर क्लिक करके इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ से भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आता है टेबल साइज, इसमें हमें नंबर्स ऑफ कॉलम एंड नंबर्स ऑफ रो डिफाइन करने होते हैं, मींस हमें टेबल में कितने रो एंड कितने कॉलम चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें 5 कॉलम एंड 4 रो चाहिए, तो अब हम कॉलम वाले ऑप्शन में 5 टाइप करेंगे एंड रो वाले ऑप्शन में 4 टाइप करेंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे सामने 5×4 की टेबल क्रिएट हो गई है। आइए फ्रेंड्स, अब हम इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में नेक्स्ट ऑप्शन को समझ लेते हैं। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑटो फिट बिहेवियर। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, फिक्स कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट एट लास्ट, ऑटो फिट टू विंडो। फ्रेंड्स, इसमें एक ऑप्शन और भी गिवन है, रिमेम्बर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल्स। इन ऑप्शन की हेल्प से हम टेबल में कॉलम की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, 1×1 करके इन सभी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है फिक्स कॉलम विड्थ। यहाँ से हम मैनुअली टेबल की विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमें 2.8 विड्थ वाली टेबल चाहिए, तो हम सबसे पहले यहाँ 2.8 टाइप करेंगे और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ एक टेबल क्रिएट हो गई है। ध्यान दीजिएगा, यदि हमें सेम विड्थ वाली टेबल यहाँ पर भी चाहिए तो देखिएगा, हम जैसे ही इंसर्ट टेबल वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं तो फिक्स कॉलम विड्थ में ऑटो लिखा हुआ शो होता है। जो हमने लास्ट मेजरमेंट यूनिट की थी वह शो नहीं होती, बट यदि फ्रेंड्स यहाँ पर हम मेजरमेंट यूनिट को टाइप करके इस लास्ट वाले ऑप्शन को टिक करके ओके करेंगे तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ टेबल तो क्रिएट हो गई है। और अब यदि हम अगेन इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स वाले ऑप्शन में जाते हैं तो आप देख पाओगे कि जो हमने लास्ट टेबल में मेजरमेंट यूनिट दी थी वो यहाँ पर शो हो रही है। और यदि हम अब ओके करेंगे तो हमारे सामने सेम विड्थ वाली टेबल आ जाती है। देखिएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार से। आइए फ्रेंड्स, अब हम इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में नेक्स्ट ऑप्शन को समझ लेते हैं। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑटो फिट कंटेंट। जैसे हम इस ऑप्शन को एक्टिवेट करके ओके करते हैं तो हमारे सामने एक टेबल बनकर आ जाती है। देखिएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार से। इस ऑप्शन की है खासियत होती है कि इसमें हम अगर कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। देखिएगा, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आइए फ्रेंड्स, अब हम इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में लास्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन आता है ऑटो फिट टू विंडो। यह तो एक सिंपल सा ऑप्शन है। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करते हैं तो हमारी टेबल की विड्थ रूलर के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए अब हम एक और वे से टेबल क्रिएट करना सीख लेते हैं। टेबल में नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल ऑप्शन की हेल्प से हम मैनुअली टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, मींस बॉक्सेस को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। फ्रेंड्स, इस ऑप्शन को डिटेल से समझाने के लिए हम आप सबके लिए इस टॉपिक पर एक अलग से क्लास बनाएंगे। आइए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाओगे कि हमारे सामने एक एक्सेल सॉफ्टवेयर की एक शीट आ गई है जिसमें हम डाटा को फिल करके एमएस वर्ड में इस शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम फर्स्ट सेल में नेम लिखते हैं और सेकंड कॉलम में जाना चाहते हैं
तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स या तो कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करना होगा, अदरवाइज हम एरो की का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने कीबोर्ड में एरो की देख पा रहे हो कि 4 टाइप्स की होती है, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने यहाँ एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर ली है। जैसा कि आप इस टेबल के चारों ओर बॉर्डर पे नोट्स को देख पा रहे हो, इन नोट्स की हेल्प से हम टेबल को रिसाइज भी कर सकते हैं, मीन्स टेबल को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ये देखिएगा फ्रेंड्स इस प्रकार से। इस एक्सेल शीट को डीएक्टिवेट करने के लिए, मींस अपने एमएस वर्ड की फाइल में इंसर्ट करने के लिए, हमें इस एक्सेल शीट के बाहर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम बाहर क्लिक करते हैं तो यह शीट एमएस वर्ड के पेज पर आ जाती है। यदि फ्रेंड्स अब आप इस शीट में कुछ चेंज करना चाहते हो या फिर टेबल को रिसाइज करना चाहते हो, तो आपको इस टेबल पर डबल क्लिक करना होगा, देखिएगा इस प्रकार से। और यदि फ्रेंड्स हम इस टेबल में सेल की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, तो हम इस टेबल पर सिंगल क्लिक करेंगे एंड देन इन नोट्स की हेल्प से हम अपने टेबल में सेल्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और यदि यह सीट आपको डिलीट ही करनी है, तो सबसे पहले इस सीट पर क्लिक करें एंड अपने कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स, देखिएगा इस प्रकार से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो फ्रेंड्स प्रेस बेल आइकन जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।